हरे कृष्ण आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बॉइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से एम किया है प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभुजी इस कौन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं वर्तमान में प्रभु जी इस कौन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा आज हम आपको भगवत गीता के बारहवें अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं ये अध्याय जो बारहवा अध्याय इसका नाम है भक्ति योग अभी तक हमने ज्ञान योग ध्यान योग कर्म योग के बारे में सुना अब हम सुन रहे हैं बारहवें अध्याय में भक्ति योग के बारे में योग मतलब हमने आपको बताया था जुड़ना भगवान से जुड़ना भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ना लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान से कैसे जुड़ा जाए यह हमें समझ नहीं आता तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस अध्याय में कई प्रकार के ज्ञान को प्रदान किया जैसे अर्जुन पूछते हैं भगवान आप साकार हैं कि निराकार हैं और साकार और निराकार में से अगर मुझे आपकी पूजा करनी है तो कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है तो भगवान कहते हैं कि मैं तो आदि रूप में साकार हूँ निराकार अभिव्यक्ति मेरे ही शरीर से निकलने वाला तेज है तो अगर कोई व्यक्ति साकार रूप की पूजा करता है तो वो सही मायने में सही रास्ते पर है और सरल रूप से मुझे प्राप्त कर पाएगा निराकार की अभिव्यक्ति एक तो बहुत मुश्किल है उसे प्राप्त कर पाना असंभव के समान है और बहुत ही कम इस संसार में ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं कि निराकार भगवान साकार की ही अभिव्यक्ति है जैसे कार के आगे की लाइट्स कोई व्यक्ति अंधेरे में कार चला रहा है तो वो देखेगा सामने से लाइट आ रही है लेकिन लाइट के पीछे मोटरसाइकिल है कार है ट्रक है समझ नहीं आता है तो व्यक्ति अगर ध्यान से देखे लाइट के पीछे कार है ऐसे ही निराकार के पीछे साकार है जिस साकार से ही निराकार की अभिव्यक्ति हो रही है और साकार ही रास्ता भगवान कृष्ण ने इस बारहवें अध्याय में बताया अर्जुन को सरल रास्ता है भगवान ने इस अध्याय के 20 श्लोकों में पूर्ण रूप से भक्ति कैसे की जाए इसके बारे में वर्णन किया जैसे भगवान ने इसी भगवद गीता के नौवें अध्याय से नौवें श्लोक से लेकर के ग्यारह नंबर श्लोक तक तो भगवान ने वर्णन किया है भगवान कहते हैं कि अगर सबसे पहले तो इस व्यक्ति को अपने चित्त को मुझ में लगा देना चाहिए और सब रूप से मन में मेरा ध्यान करना चाहिए तो ये आठ नंबर श्लोक में जब भगवान ने इस बात को अर्जुन को कहा कि अर्जुन अपने चित्त को मुझ में लगाओ तो नौ श्लोक से और ग्यारह श्लोक तक अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन को चित्त को मुझको मुझे अपने मन में और चित्त में नहीं बिठा सकता तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए दूसरा उपाय कहते हैं अगर मन से तुम तो भगवान लोग कहते हैं मन तो वश में नहीं है मन में भगवान नहीं आते भगवान का स्मरण नहीं बनता चित्त में भगवान नहीं है तो मन और चित्त में अगर भगवान नहीं आ पा रहे हैं तो भगवान दूसरा उपाय कहते हैं यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते हो तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो या तो हम स्पॉन्टेनियस लव में हो कि सोते उठते हमें भगवान का स्मरण हो रहा है अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर हमको स्मरण करना चाहिए कि हम विधि विधान पालन करें सुबह उठे जाप करें भगवान के नियमों का हम भक्तों का संग करें शास्त्र पढ़ें और फिर इसको करने से हमारा मन स्पॉन्टेनियसली भगवान में लगने लग जाएगा फिर हमको ये नहीं होगा कि बस मेरी जैसे भी करके माला पूर्ण हो जाए वो मेरी भक्ति है नहीं फिर व्यक्ति का जप पूर्ण हो जाएगा सोते उठते उसके मुख से भगवान का नाम मंत्र चलने लग जाएगा तो भगवान कह रहे हैं या तो मन में मेरा भजन कर लो मन से मेरा भजन करो मन से भजन करने का मतलब ये नहीं कि मैं हाथ से भजन ना करूं उसका मतलब है मैं माला से तो जप कर रहा हूं जाप करते करते माला से जाप करते 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 साथ साथ में मैंने अपने मन को भी ठाकुर जी के चरणों में लगाया है लेकिन माला करते में अब मेरा मन भटकता नहीं है तो ये ऊंची स्थिति है कई बार लोग कहते हैं माला से जब करने की क्या जरूरत है कबीर जी ने भी तो माला से जब करने के लिए मना किया है कबीर जी तो कहते हैं इस संसार में कि माला फेरत जुग गया गया ना मन का फेर और कर का मन का डार के मन का मन का फिर मन का मतलब होता है माला का एक बीड़ एक मन का तो कबीर जी की ही बात को कहके लोग कहते हैं मन भगवान ने भी बोला मन मुझ में लगाओ तो बस मन लगाओ जब की क्या जरूरत है तो कबीर जी को गलत कोट नहीं करना चाहिए कि कबीर साहब ने ऐसा कह दिया था कि मन का मन का करने के लिए कर का मन कर मतलब हाथ का माला छोड़ दो लोगों ने इसके अभिप्राय को नहीं समझा कि खाली हाथ से मत घुमाओ विधि विधान का पालन मत करो ये सेकंड कैटेगरी है फर्स्ट है मन लगा करके जाप करो ये कहा भगवान ने लेकिन कबीर जी ने भी इस बात को सिद्ध किया जब लोगों ने उनके ऊपर दोषारोपण किया कि कबीर जी पहले आप कहते थे जाप करो लेकिन अब आप कहते हैं कि मन का कर का मन का डार दो मन का मन का फिर मन में फेरो कर का छोड़ दो फिर इस बात पर कबीर जी को कहना पड़ा एक और, दोहा और वो कहते हैं कि माला मन से लड़ पड़ी माला किससे लड़ी मन से माला मन से लड़ पड़ी कि तू क्यों कि मुझे क्यों है मन बिना शस्त्र का सूरमा कभी कभी लड़ता देखा कोई कभी आपने बिना शस्त्र के किसी सूरमा को किसी सैनिक को लड़ते देखा है बॉर्डर पे भेज दो बोलो बंदूक नहीं देंगे ऐसे ही लड़ लो बिना शस्त्र के कभी लड़ता देखा है तो इस संसार रूपी माया से लड़ने के लिए हम हाँ, माला को बिसरा दें माला को भूल जाए माला 108 गोलियों का वो बंदूक है वो शस्त्र है जिससे आप संसार में माया को गोलियां चला सकते हैं तो कबीर जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मन लगाओ तो इन मन लगाने की बात को हमें समझना चाहिए भगवान कह रहे हैं मन लगाओ मतलब माला करते विधि विधानों में मन लगाकर कर विधि विधान का पालन करो लेकिन अगर मन ना भी लगे तो कम से कम विधियों का पालन तो करते रहो अगर आपको लगता है कि आप अभी इस स्थिति में नहीं है कि विधि का पालन कर सकें तो भगवान ने इसके अगले श्लोक में इसकी व्याख्यान करी भगवान कहते हैं यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो भगवान के लिए कर्म करो मतलब कि भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ भगवान के मंदिर का मार्जन करो भगवान के लिए भोग लगाओ भगवान के लिए भगवान के पुस्तक वितरण के लिए कुछ दान दो कुछ भी करो भगवान के लिए कर्म करो सुबह उठो तो ये सोचकर उठो कि मुझे ब्रश करना है ताकि भगवान के नज़दीक जाऊंगा तो मेरे मुख से दुर्गंध ना आए जब नहाओ तो ये सोचकर नहाओ कि मैं नहा इसलिए रहा हूं कि भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा। जब ऑफिस जाओ तो इसलिए जाओ कि मैं ऑफिस जा रहा हूं इससे जो धन आएगा वो भगवान की सेवा में इसके धन को लगाऊंगा अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हो भगवान कहते हैं अगर अपने कर्मों को भी मुझे नहीं लगा पा रहे हो विधि विधान भी नहीं कर पा रहे हो मन भी नहीं लगा पा रहे हो तो कम से कम क्या करो भगवान कहते हैं यदि तुम इस भावना मृत से कर्म करने में असमर्थ समझते हो तो कर्म के फलों को मुझे दे दो कर्म के फलों का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने दस हजार रुपये इस महीने में मैंने कमाए उसमें से दस प्रतिशत कम से कम एक हजार रुपये मुझे भगवान को वापस दे देने चाहिए भगवान की सेवा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मंदिर निर्माण में भगवान के पुस्तक गीता जैसे ग्रंथ के वितरण में भगवान के श्रीमद् भागवत जैसे पुस्तकों के वितरण में भगवान के भक्तों के मंदिर में महाप्रसाद के वितरण में भगवान के विग्रह स्थापना में भगवान के विग्रह के वस्त्र में मुझे एक कैसे भी अपने धन को इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा में तब मैंने अपने कर्म फलों का परित्याग किया तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर दो और आत्मा में स्थित होने का प्रयत्न करो यदि तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो कर्म का फल त्यागने में भी लगता है सब कुछ तो मेरा है तो भगवान फिर बारहवें श्लोक में कहते हैं यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है जब आप त्याग की भावना ले आएंगे अगर आपका मन नहीं लग रहा तो विधि विधान का पालन करिए विधि विधान नहीं कर सकते हैं तो कर्म करिए भगवान के लिए कर्म नहीं कर पा रहे हैं भगवान के लिए तो कर्म फलों का परित्याग करिए इसीलिए जब कोई मंदिर में आता है तो उससे भक्त कहते हैं थोड़ा मंदिर के लिए दान जीओ से लगता है अरे ये तो मेरा पैसा मांग रहे हैं क्योंकि अभी वो उतनी ऊंची स्थिति में नहीं है कि सदा अपनी हर चीज मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ भगवान को दे सके तो उसको कम से कम अपने कर्म फलों को देना चाहिए क्योंकि इसको देने से उसकी आसक्ति उसका मन लग जाएगा भगवान के मंदिर में जहां धन जाता है वहां पीछे पीछे हमारा मन जाता है फिर जहां मन जाता है पीछे पीछे हमारा तन जाता है तो तन वहीं जाएगा जहां मन जाएगा मन वहीं जाएगा जहां धन जाएगा इसलिए धन को ऐसी जगहों में लगाइए जहाँ आपको मंदिर की ओर आपका मन खींचे और आपका तन मंदिर जाके पवित्र हो जाए तन पवित्र कैसे हो जाता है इस भक्ति योग में भगवान बताते हैं पद्म पुराण की एक प्राचीन कथा के द्वारा भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बताया कि कोल्हापुर नामक एक स्थान था उस कोल्हापुर नगर में जैसे लक्ष्मी तीर्थ के नाम से भी जाना चाहता था लक्ष्मी नारायण की एक बहुत सुंदर विग्रह था तो एक व्यक्ति जो लक्ष्मी जी को पीछे कहता था बस मैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करूंगा और हम प्राय देखते हैं समाज में लोग नारायण को पूजे ना पूजे लक्ष्मी को तो सब पूछते हैं दिवाली के दिनों में आप पाएंगे संसार में लक्ष्मी जी की मूर्ति की उपासना खूब होती है नारायण को कोई नहीं पूछता आजकल तो समाज ने गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी को जोड़ दिया है जबकि गणेश जी की उपासना तो इसलिए होती थी कि प्रथम पूज्य देवता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा होती थी सीता राम की होती थी राधे श्याम की होती थी लेकिन आज लोगों ने लक्ष्मी जी नारायण को हटा करके गणेश जी के साथ जोड़ा बना दिया है अरे लक्ष्मी जी के पति हैं नारायण और गणेश जी की पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि आपस में किसी और की पत्नी किसी और के साथ रख करके पूजा करना ये सही नहीं है ये अलग अलग प्रकार से पूजा की विधियां जिन्हें हम अपनी अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ करके संसार में पूजन करते हैं तो व्यक्ति लक्ष्मी जी की उपासना करने के भाव से लक्ष्मी तीर्थ स्थान कोल्हापुर जो दक्षिण की ओर था उधर गया और जाकर के उसने भगवान लक्ष्मी तीर्थ लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी कई स्तुतियाँ गान करी लोग दिवाली पे पता नहीं कितनी बड़ी पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी पूजा नारायण को नारायण को भूल गए नारायण के इतने फेस्टिवल आते हैं जन्माष्टमी नरसिंह चतुर्दशी रामनवमी गौर पूर्णिमा उनमें संसार के लोगों की रुचि नहीं है कहते हैं ये तो भक्तों के लिए है हमारी कोई रुचि नहीं है उनकी रुचि दिवाली में क्यों दिवाली के दिन लक्ष्मी जी आती हैं लेकिन ऐसा नहीं है लक्ष्मी जी को अगर आप खाली बुलाएंगे तो अपने वाहन उल्लू पे आएंगी और हमारे धन का दुरुपयोग होगा हम उस धन को लगाएंगे ऐसी प्रॉपर्टीज में जिनका पोजीशन नहीं मिलेगा हॉस्पिटल्स में जहां पर दिल की बीमारी के लिए जाओ तो दिल की बीमारी ठीक करते करते डॉक्टर इतना बड़ा बिल देता है कि बिल देने वाले को भी दिल की बीमारी हो जाती है तो दिल के लिए बिल और बिल के लिए फिर दिल देना पड़ता है ऐसी जगह लोग अपने धन को लगाते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं फिर भी खुश होते हैं लेकिन समझना यह चाहिए कि हम लक्ष्मी के साथ अगर नारायण की उपासना करते हैं तो नारायण गरुण पर बैठ करके लक्ष्मी जी के साथ आएंगे और गरुण बुद्धि का प्रतीक है फिर हमारी बुद्धि सही रूप से लगेगी कहां भगवान की सेवा में फिर हम उस धन को लगाएंगे भगवान के विष्णु मंदिरों के निर्माण में भगवान के भक्तों की सेवा में भगवान के मंदिर की सेवा में भगवान के पुस्तक वितरण की सेवा में भगवान के शास्त्र रचन की सेवा में भगवान की धाम यात्राओं की सेवा में और फिर हम खुश रहेंगे लेकिन हम ऐसा खुश रहना नहीं चाहते हैं हमें लगता है बस लक्ष्मी की पूजा करो इसने भी स्तुतिगान किया और अपनी परेशानियों के हल के लिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी लक्ष्मी जी इसकी स्तुति गान स्तव पाठ सुनकर के स्त्रोत सुनकर प्रसन्न हो गई बोली बोलो बेटा क्या चाहिए तो ए व्यक्ति जो गया था दर्शन करने के लिए राजकुमार इसका नाम था सुंदर नवयुवक ये सुंदर था नवयुवक था सुंदर इसका नाम और नवयुवक एकदम सुंदर नवयुवक था पहुंच गया वहां पर और जाकर के इसने भगवान लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी मेरी एक इच्छा है मैं चाहता हूँ मेरे मन में कुछ अभिष्ट लेकर के आया हूँ मेरा अभिष्ट पूर्ण कर दीजिए हम भी दिवाली पे क्या कहते हैं ले लक्ष्मी मैया भैया जय लक्ष्मी मैया मेरे घर में क्या करो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे मन का मेरे घर में सुख आए मेरे घर में संपत्ति आए और मेरे तन का कष्ट चला जाए ये प्रार्थना तो हम हर साल गा रहे हैं क्या पूरे साल बीमार नहीं पड़ते क्या पूरे साल आपको सुख ही आते हैं क्या पूरे साल आपको कभी धन की लॉस नहीं होता गाने से नहीं होता है कभी कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाके कहे नहीं कहता है डेंगू दे दो प्रभु मलेरिया दे दो प्रभु कोरोना वायरस दे दो प्रभु ये दे दो प्रभु वो दे दो प्रभु कभी कहता है नहीं लेकिन उसको हर प्रकार के वायरस हर प्रकार की परेशानियां सताती हैं जब बिन मांगे दुख मिलते हैं तो बिन मांगे क्या सुख नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी ये सुंदर न युवक गया और जाकर के लक्ष्मी तीर्थ स्थान में क्या प्रार्थना करी मेरे अभिष्ट की पूर्ति करी तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रसन्न होकर के अभिष्ट पूर्ति चाहते हो मनोकामना चाहते हो पूर्ण करना तो मनोकामना पूर्ण करने का एक ही तरीका है मेरे इस मंदिर के द्वार पर एक भक्त बैठा है ब्राह्मण उस ब्राह्मण भक्त के पास जाओ वो तुम्हारे सभी अभिष्टों को जानेगा और उन्हें पूर्ण बनेगा तो ये राजकुमार उन ब्राह्मण के पास गया उनको दंडवत प्रणाम करके बोला हे मुनिवर हे ब्राह्मण देव मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मैं अभिष्ट पूर्ति के लिए लक्ष्मी तीर्थ आया था लक्ष्मी जी से मैंने अपनी इच्छा व्यक्त करी तो लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिया और कहा आप मेरे अभिष्ट पूर्ण करेंगे ब्राह्मण तो साक्षात भगवान को जानते थे भगवान के मन को जानते थे क्योंकि जो भक्त भगवान का प्रिय बन जाता है फिर वो ये जान जाता है कि भगवान उससे क्या चाहते हैं भगवान ने इस भक्ति योग अध्याय बारह में बताया है कि कौन भक्त मेरा प्रिय है तेरह नंबर श्लोक से लेकर बीस नंबर श्लोक तक भगवान कहते हैं स मे प्रिया मेरा प्रिय कौन है आइए कुछ श्लोकों पर चर्चा करते हैं कहा गया है जो किसी से द्वेष नहीं करता जो किसी से द्वेष नहीं करता सभी जीवों का दयालु मित्र है सभी जीव आत्माओं पर दया करता है यहाँ तक कि चीटी मच्छर पे भी मच्छर को आउट लगा के मारता नहीं है मच्छर को ऐसे करके मारता नहीं है सभी जीवों का दयालु मित्र है जो अपने को स्वामी नहीं मानता अपने को स्वामी नहीं मानता है भगवान का सेवक है गाते तो हैं तुम स्वामी हम सेवक लेकिन स्वामी मानते नहीं है भगवान को जो अपने को स्वामी नहीं मानता मिथ्या अहंकार से मुक्त है मिथ्या अहंकार में हमको लगता है कि मैं ये शरीर हूं मैं आत्मा नहीं हूं लेकिन हम असलियत में है तो आत्मा तो हमें ये मिथ्या अहंकार है कि मैं करता हूं मैं शरीर हूं अहम करता अहम ममेती ये मैं हूं और ये संसार मेरा है ये परिवार मेरा है गाड़ी मेरी है अहम ममेती अहंकार मिथ्या तो मिथ्या अहंकार जो सुख में दुख में संभाव रखता है सुख आए या दुख आए संभाव रखता है जो सहनशील है सहष्णु है उसके साथ जीवन में कोई अपमान करे या मान करे वो सहन करता है सदैव आत्म संतुष्ट रहता है आत्मा संतुष्ट रहती है अंदर से प्रसन्नचित रहता है आत्म संयमी है और वो संयमी भी है वो व्यक्ति आत्म संयमी है ये नहीं कि उसकी इंद्रियां जहां उसको धक्का मारे चल टीवी देख चल पिक्चर देख इंद्रिया आजकल हमारी मालिक बन गई है गो बोलते हैं इंद्रियों को गो गाय गो गो जो स्वामी बनता है इंद्रियों का उसे गौ स्वामी कहते हैं लेकिन जो इंद्रियों के कहने पर चलता है उसे गौ दास कहते हैं तो हम लोग कौन है कृष्णदास या कृष्णदासी या फिर गौदास तो सही मायने में हम लोग गौदास हैं इंद्रियों के दास हैं इंद्रियां धक्का मारती हैं इसलिए हम भगवान के प्रिय नहीं है जो इंद्रियों के कहने पर जाते हैं चलो पानी बदाशी गोलगप्पे खाते हैं सड़क पर कितने तीखे तीखे मीठे मीठे बढ़िया बढ़िया चलो चलो शॉपिंग करके आते हैं यहाँ से जरूरत है या नहीं जरूरत की शॉपिंग करना मना नहीं लेकिन बिना बात के लिए दुकानों में विंडो शॉपिंग करते घूमना संसार के लिए ठीक है भक्त के लिए ठीक नहीं जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है उसके लिए करूंगा आपको अपना मन और बुद्धि अहम अर्पितम भगवान में अर्पित करता हूं आपको भगवान ने कहा अपनी बुद्धि और मन मुझे अर्पित करो अगर कोई अपना मन से और अपनी बुद्धि से भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है भगवान कहते हैं वो व्यक्ति समय प्रिया वो व्यक्ति मेरा प्रिय बनता है तो भगवान ने बताया Who is my dear most? कौन मेरा प्रिय है तो ये ब्राह्मण इसलिए समझ गए थे उन सुंदर की बात को क्योंकि उस राजकुमार ने बताया कि मेरी कुछ मनोभिष्ट है लेकिन ये मनोभिष्ट जान गए क्योंकि ये समय प्रिया भगवान के प्रिय ब्राह्मण भक्त थे क्यों भगवान के ब्राह्मण भक्त बन गए तो इन्होंने सुंदर से पूछा कि सुंदर मैं तुम्हारा अभिष्ट जानता हूं फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम उस अभिष्ट को व्यक्त करो इन्होंने अभिष्ट व्यक्त किया और कहा मेरी मनोकामना है है मेरे पिता मेरे पिता पिता राजा है। जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया था और अश्वमेघ यज्ञ के दौरान क्या हुआ कि अश्वमेघ यज्ञ का मतलब है कि एक घोड़ा लिया जाता है उस घोड़े को राजा के द्वारा छोड़ा जाता है क्षत्रिय लोग इस यज्ञ को करते हैं और वो ये वो घोड़ा पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करेगा पूरी पृथ्वी में भ्रमण करेगा अनेक अनेक स्थानों में जाएगा और फिर उसको अगर किसी ने रोक लिया तो उसकी राजा से फिर युद्ध होगा युद्ध में अगर वो राजा हार गया तो फिर वो ये घोड़ा आगे जाएगा अगर वो राजा लड़ने की बजाय स्वीकार करता है कि मैं जिस राजा का ये घोड़ा है उसकी उसके स्वामित्व को स्वीकार करता हूं मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उस राजा के शरण में रह के ही अपना राज्य चलाऊंगा तो फिर ये अश्व आगे जाता है घोड़ा दूसरे स्थानों में जाता है ऐसे ही अश्वमेघ यज्ञ करते करते अगर ये पूरी पृथ्वी का चक्कर एक बार लगा ले तो एक अश्वमेघ यज्ञ होता है सौ अश्वमेघ यज्ञ कोई कर ले और फिर बाद में आके बड़ा यज्ञ किया जाएगा अनुष्ठान होगा मंत्रोच्चारण किए जाएंगे और घी आदि की आहुतियां दी जाएंगी तो इसको कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ है। और ऐसे सौ अगर यज्ञ कर लिए तो इंद्र की गद्दी पक्की हो जाती है लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे यज्ञ करता है तो इंद्र घबरा जाते हैं इंद्र का जो सिंहासन है वो कांपने लगता है डगमगाने लगता है कहता है नहीं नहीं लगता है कोई तपस्वी आ गए लगता है कोई बड़े योगी आ गए इनको हटाओ इस रास्ते से और फिर इस प्रकार से इंद्र घोड़े को अनेकों बार चुरा चुके हैं तो इस कथा में भी व्याख्यान किया गया कि बृहर राजा जो थे इन्होंने अश्व यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा और उनके घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और उसे कोई नहीं ढूंढ पाया जब सैनिक गए उसे कोई नहीं ढूंढ पाया तो इस प्रकार इस प्रकार से किसी ने भी उनके इस चीज को ढूंढ ना पाने के कारण जो राजा थे उनकी भी मृत्यु हो गई कहा कि मेरा यश्वेघ यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया और जब राजा की मृत्यु हो गई तो इनके जो पुत्र थे सुंदर इन राजकुमार ने कहा मैं अपने पिता को ऐसे कैसे मरने दूँ मैं ढूंढ के आऊँगा घोड़ा कहाँ है घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिए जिसे इंद्र चुराकर अपने स्वर्ग लोक को ले गए थे अब यहाँ पर जो ब्रदरथ का पुत्र था इन्होंने अपने पिता को एक स्पेशल एक बहुत ही एक तेल था इस प्रकार का स्पेशल जिसके अंदर लेप लगा कर के जलती कढ़ाई में उबलती कढ़ाई में रखा ताकि उनका शरीर से दुर्गंध ना आए विशेष प्रक्रिया करी गई आज भी देखते हैं इजिप्ट के पिरामिड में कुछ विशेष लेप लगा करके शरीरों को सुरक्षित रखा जाता है जबकि वो डेड बॉडीज हैं उनमें से आत्मा यानी कि हम निकल चुके हैं फिर भी वो सुरक्षित रखे जाते हैं लेप लगा के ऐसे ही इन्होंने भी लेप लगा करके रखा गया था तो इजिप्ट के पिरामिड कोई कलयुग के नए नहीं, नहीं है प्राचीन समय में भी युगो युगो पूर्व ये कथा आती है कि इस भ्रदरथ के पुत्र ने भी अपने पिता को तेल आदि लेप लगा करके रखा था और फिर जब ये वापिस आया और इन्होंने कहा घोड़ा तो मिल नहीं रहा तो लक्ष्मी जी से प्रार्थना करूं कि लक्ष्मी जी आप ही कुछ करो कि मेरा अभिष्ट पूर्ण हो मेरे पिता जीवित हो और मेरा घोड़ा मिल जाए ये ब्राह्मण हंसने लगे कहा अच्छा ऐसी बात है दो मिनट रुको मैं ढूंढता हूं तुम्हारा घोड़ा कहाँ है क्योंकि भगवान के प्रिय भक्त थे इनका मन जो था वो स्थिर था भगवान में कहते हैं जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि न संशयम इसमें कोई संशय नहीं कोई भगवान के नाम का जप करे गीता का पाठ करे उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है ऐसी बात शास्त्र में विभिन्न प्रकार से कई कई जगह पर लिखी है भागवत में भी आता है कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में लगता है तो देवताओं देवियों जैसे गुणों को अर्जित कर सकता है समान समान भगवान के देवताओं जैसा बन सकता है अगर भक्ति योग का पालन करे तो भक्ति योग का पालन इस ब्राह्मण ने किया था तुरंत इन्होंने बुद्धि लगाई कि कहाँ गया होगा घोड़ा ध्यान लगाया दो मिनट बाद आंख जब देखा तो देखते हैं स्वर्ग लोक से अन्य देवता दर्शन करने के लिए इस ब्राह्मण के नीचे उतर रहे हैं और साथ में घोड़ा भी ले रखा है इन्होंने कहा ये रहा आपका घोड़ा कहा ये तो चमत्कार हो गया कि घोड़ा सामने आ गया देवी देवता आपके दर्शन करने के लिए आ गए ये तो चमत्कार हो गया ये कैसे कर पाए आप तब इस ब्राह्मण ने बताया Osionfish. मैंने भगवत गीता के बारहवें अध्याय को सिद्ध कर लिया है इसको याद कर लिया है इसको मैंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है मैं भगवान का प्रिय बनना चाहता था इसलिए मैंने ये सिद्धि प्राप्त करी है ब्राह्मण बोला कि अब भी मैं अब से मैं भी प्रतिदिन बारह अध्याय का पाठ करता था ये सुंदर तुम भी इस बारह अध्याय का पाठ करो सिद्धि प्राप्त करो तो इसने कहा पहले मेरे पिता को जीवित करिए अब ब्राह्मण ने दूसरी चमत्कार दिखाया अपने हाथ में जल लिया जल लेके बारहवें अध्याय के बीस लोगों का उच्चारण करके इस शव पर डाला उसका पिता ब्रदरथ भी जीवित हो गया कहा ये तो कमाल हो गया बारहवें अध्याय का चमत्कार हो गया भक्ति योग का चमत्कार हो गया तो भक्ति योग कोई ऐसा नहीं कुछ लोग कहते हैं हम ध्यान योग करते हैं आप ज्ञान योग करते हैं हम तो भक्ति योग करते हैं ये सारे रास्ते तो एक ही ओर जाते हैं सारे रास्ते एक ओर नहीं जाते ध्यान योग और ज्ञान योग इस युग के लिए नहीं है इस युग के लिए है भक्ति योग तो भक्ति योग का इस ब्राह्मण ने पालन किया था उनके पिता को भी जीवित किया वो भी बारवा अध्याय पढ़ने लगे उनका पुत्र राजकुमार भी बारवा अध्याय पढ़ने लगा सभी ने अपने जीवन में सदगति को प्राप्त किया तो यह बारवा अध्याय भक्ति योग बहुत विशेष है हमें इस विशेष अध्याय को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहिए जो भगवान आपके लिए सुचारू समझेंगे आपको जरूर देंगे कृष्णा गिव्स यू वॉट यू डिजर्व बट ही विल नॉट गिव यू वॉट यू डिजायर मेटीरियली अगर स्पिरिचुअल डिजायर्स भी होंगी वो डिजायर भी कृष्ण पूरी करेंगे बट मेटीरियली जो आप डिजर्व करेंगे बस उतना ही आपको देंगे चाहे डिजायर आप कुछ भी रखो तो भौतिक डिजायर नहीं रखनी है डिजर्वेंस का आपको मिलेगा आपके मनोविष्ट पूर्ण होंगे अगर आप इस बारहवें अध्याय को पढ़ेंगे और अध्यात्मिक मनोबिष्ट तो सारे पूर्ण हो जाएंगे अगर आप बारहवें अध्याय का निरंतर पाठ करेंगे आप समझेंगे भगवान का भक्त प्रिय बनने के बाद में क्या कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते आशा करते हैं आप इस में अध्याय से प्रेरित होंगे और अपने जीवन को भक्तिमय बनाएंगे भक्ति योग प्लीज वॉच हरे कृष्णा टेलीविजन टू गेट दिस चैनल प्लीज कॉन्टेक्ट योर केबल और डी टी एच ऑपरेटर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल एट सेवन सिक्स सेवन एट फोर फाइव एट फोर फाइव